अयोध्या के अंगूरी बाग कंपोजिट स्कूल से शिक्षकों की बड़ी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है, जिसमें सरकारी किताबों को कूड़े के ढेर में जला दिया गया जिन पर राष्ट्रगान प्रकाशित हैं। लेकिन मामला सोशल मीडिया में आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय ने प्रधानाध्यापिका तहसीन बानो को सस्पेंड कर जाँच के आदेश दिए हैं। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं को वितरित की जाने वाली किताबों को लेकर जिम्मेदारों पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, जिसमें शिक्षा सामग्रियों के रखरखाव में लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। लेकिन इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी की जांच के बाद प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही विभागीय जाँच बैठा दी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष राय ने बताया कि मीडिया के माध्यम से उन्हें घटना की जानकारी प्राप्त हुई है। अंगूरी बाग में किताबें स्टोर करके वहां से ब्लॉक लेवल पर भेजी जाती हैं। अगर वहां पर किताबें जलाई जा रही हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की गई है। फोटो में किताबें शैक्षणिक सत्र 2007-08 की नज़र आ रही हैं। घटना की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी और DC कम्युनिटी को भेजा गया था। वहीं रिपोर्ट के आधार पर कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को निलंबित किया गया है। कंपोजिट विद्यालय में ये संज्ञान में आया था कि मतलब कुछ कूड़ा जलाया जा रहा है और उसमें कुछ पुरानी पुस्तकों के भी जलाने का मामला संज्ञान में आया था। उसमें तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी और DC कम्युनिटी को वहाँ पे भेजा गया था मौके पे, और उन्होंने निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रथम दृष्टया ये तथ्य संज्ञान में आया कि विद्यालय की साफ सफाई के दौरान जो कूड़े का ढेर था उसको जलाया जा रहा था, लेकिन उसमें कुछ पुरानी जो फटी हुई किताबें थी वो भी उसमें रख दी गई थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि अगर पाठ्य पुस्तकें हैं अगर पुरानी हैं फटी हुई भी हैं तो उसके एक सेट प्रोसीजर है कि उसमें आगे क्या कार्रवाई किया जाएगा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद। तो ये प्रथम दृष्टया प्रधानाध्यापक की गलती उसमें पाई गई है, इसमें तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड करते हुए इसमें जाँच बैठाई गई है।